नमस्कार दोस्तों, आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत है। तो सुबह के जल्दबाजी में नाश्ते के लिए कुछ फटाफट बनाना चाहते हो तो यह हेल्दी नाश्ता रेसिपी जरूर बना के देखिए। इसके प्रिपरेशन में लगभग आपको 10 मिनट का समय लगेगा और बाद में आपका 5 मिनट में नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। तो फिर चले बनाना शुरू करें। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बारीक सूजी और 1 कप सूजी के साथ लेना है 1/2 कप गेहूं का आटा और 1/2 कप बेसन। इसके बाद स्वादानुसार नमक डाल के 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, साथ में 2 पिंच हल्दी पाउडर भी डालते हैं। अभी 1/2 चम्मच गरम मसाला डालते हैं। इसके बाद 1/2 चम्मच अजवाइन को ऐसे हाथों से क्रश करके डालेंगे ताकि इसका स्वाद बढ़े। अब बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्ची डालते हैं। मिर्ची आप तीखा कम या ज़्यादा कैसे खाना पसंद करते हो उस हिसाब से डाल दीजिए। अभी जो मैंने डाला है वो 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, यह है 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। इसके बाद डालते हैं 1/2 चम्मच भुने हुए जीरे की पाउडर और 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालकर थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालेंगी और बाद में इसे पहले अच्छे से मिलाएंगे ताकि इसमें डाले हुए सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ऐसे मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसे मिलाते हुए हमें इसका बैटर बनाना है। तो हमें इस बैटर को ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, बल्कि चीले के बैटर जैसा बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे बैटर बनाने के बाद इसमें डालते हैं चॉप की हुई थोड़ी सी मेथी और थोड़ी सी पालक भी डालते हैं। इसके बाद हमें इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं, बस अच्छे से मिलाएंगे और मिलाने के बाद आप चाहे तो बैटर को रेस्ट दीजिए, नहीं तो फटाफट नाश्ता बना लीजिए। अभी चलते हैं दोस्तों किचन की ओर। इधर तवे को तेल लगा के 1 बड़ा चम्मच बैटर डालकर इस तरह फैला लीजिए। तो इसे बनाते समय दोस्तों इसका शेप मायने नहीं करता, टेढ़े मेढ़े जैसे भी बनते हैं वैसे बना ले और बाद में फ्लेम को मीडियम टू लो रखकर इसे कवर करके 2 मिनट तक सेक लीजिए। 2 मिनट के बाद यानी कि जब यह ऊपर से अच्छे से सूख जाए तब इसे पलटकर दूसरे साइड से भी ऐसे प्रेस करते हुए सेक लेना है। तो 1-2 बार अलट पलट के अच्छी तरह से सेक लीजिए। आप देख सकते हो कि हमारा यह नाश्ता बनके तैयार है। तो इसे बना के आप दही अचार या फिर आपके पास कोई ड्राई चटनी हो तो उस पे घी डाल के आप सुबह के नाश्ते में इसे आराम से खा सकते हो। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।